और वहीं सुशांत मौत मिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर है। सुशांत केस भले अभी तक नहीं सुलझ पाया हो, लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के सांसद संजय राउत में जुबानी जंग जरूर छिड़ गई है। कंगना रनौत और सांसद संजय राउत में जुबानी जंग सामने आ गई और ये और तेज हो गई है। कंगना के बयानों से गुस्से में अब उतर आए हैं शिवसेना के कार्यकर्ता। सड़क पर शिवसेना ने कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। संजय राउत की कंगना को मुंबई में नो एंट्री की चेतावनी। 9 सितंबर को आऊंगी मुंबई, दम है तो रोक लो, ये बात कंगना की तरफ से कही गई। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच चल रही जुबानी जंग महाराष्ट्र की सड़कों पर है। अपने नेता की फजीहत और कंगना के बड़बोलेपन से शिवसेना कार्यकर्ता ऐसे बिफरे कि सड़कों पर उतर आए। किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। लाल साड़ी, नाक में नथनी, वेशभूषा मराठी मानुस की। ट्विटर हैंडल पर इस फोटो के साथ बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने जब शिवसेना नेता संजय राउत के फेंके गए मराठा कार्ड का जवाब दिया तो जैसे पूरी शिवसेना ही तिलमिला उठी। सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर लगातार आरोपों की बौछार करने वाली कंगना से संजय राउत गुस्से में ऐसे लाल हुए कि उन्होंने कंगना को मुंबई में एंट्री न करने तक की चेतावनी दे डाली। तो कंगना का फिर से ट्विटर पर जवाब आया। पहले मुंबई की गलियों में आजादी वाले पोस्टर और अब खुली धमकियां। मुंबई पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है? मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हूं और किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? ठीक है आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। संजय राउत को सुनकर ऐसा लगता है कि वो कंगना की हाजिर जवाबी से पस्त हैं। उनकी आवाज की खनक दब सी गई है। सच भी है, ये लोकतंत्र है और सुशांत केस में सच आना जरूरी है। केस की शुरुआत से ही मुंबई पुलिस अगर सच की तलाश में ईमानदारी दिखाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री को अभी तक सीबीआई सुलझा नहीं पाई है, लेकिन सियासत चरम पर है। एक तरफ कंगना है, दूसरी तरफ शिवसेना है और महाराष्ट्र सरकार। बॉलीवुड क्वीन की जुबानी फाइट पर किसने क्या कहा, 100 सेकंड में आप देखिए पूरी रिपोर्ट। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र इस विषय में मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे, भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। संजय राउत जी से भी हमारा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पर इंक्वायरी और उस इंक्वायरी से आए हुए तथ्यों को जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए कंगना रनौत के पीछे छुपकर वार भारतीय जनता पार्टी पर करने की आवश्यकता नहीं, ये प्रयास भी होना करें। रहने का मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनौत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं, यही बोलना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको मैं एक वो महिला है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं महिलाओं की भी इज्जत करता हूँ, पर मेरे शहर में आके मुंबई में आके आप यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाएंगे, काम करेंगे, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमाए जाएंगे, आपको यहाँ पे फेम मिलेगा, मुंबई के महाराष्ट्र के लोगों ने आपको प्यार किया है, आपकी फिल्में देखते हैं और आपको हमारी मुंबई में आपको अनसेफ लग रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।